अपने मनपसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। लो, अब एक और मसला सामने आकर खड़ा हो गया। कोई मसला नहीं है, ये भंडारी की एक और नई चाल। नहीं माँ, अगर ये भंडारी की चाल होती तो इस तरह हमारे सामने आकर खड़ा नहीं हो जाता। अनिरुद्ध बेटे, अगर हम इसे सच मान भी लें, तो भी सवाल ये उठता है कि मेंटल असाइलम से जानकी को लेकर गया कौन होगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, कि अचानक ऐसा कौन हो सकता है जिसे जानकी के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। हमारे लिए तो कब की मर चुकी थी। माँ, अब तो ये साबित हो चुका है कि जानकी मरी नहीं, जिंदा है। मुझे यही लगता था और वही हुआ है। वो बीता हुआ इतिहास आज फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। जिन्हें हम अतीत समझकर भुला बैठे थे, वो हमारे वर्तमान में आकर खड़े हो गए। मुझे तो ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जानकी का काला साया अभी तक हमारे घर पे मंडरा रहा है। मेरे लिए तो ये उलझन पैदा हो गई है कि भंडारी या हमारे सिवा किसी और का जानकी से क्या वास्ता हो सकता है। अगर हमारे किसी जानने वाले को जानकी के बारे में पता चलता तो वो हमें जरूर बताता। हम तो इस बात से भी अनजान थे कि जानकी पागल कब हुई और कब उसे मेंटल असाइलम में भर्ती किया गया। लेकिन बाबूजी, अब ये सच्चाई जानने के बाद क्या होगा? मैं तो अजीब धर्म संकट में फंस गया हूं। तुम्हें किस बात का संकट है? अरे जानकी भंडारी की बहन थी, वो जाने की वो उसे कहां छोड़कर गया था और जानकी कहां चली गई, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। माँ, इतना सब कुछ जानने के बाद मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। माँ, तो तुम क्या जानकी को ढूंढने जाओगे? अब हमारा जानकी से कोई वास्ता नहीं। वो भंडारी के लिए जिंदा हो सकती है, हमारे लिए नहीं। सुमित्रा, अब हम कुछ भी कहें, कुछ भी समझें, लेकिन सच यह है कि यह भंडारी के दिल में छिपी हुई वो चिंगारी है जो आज सुलग उठी है। लेकिन जानकी से किसी को क्या मतलब हो सकता है जो बिना भंडारी को बताए जानकी को लेकर चला गया और कहां लेकर गया? हेलो, बोलो। हाँ, मैं अनिरुद्ध चौधरी बोल रहा हूँ, बोलो क्या काम है? अरे अगर साइन लेनी है तो ऑफिस में उर्मिला है, उससे साइन ले लो, यहाँ फोन करने की क्या जरूरत है? क्या उर्मिला ऑफिस में नहीं है? सुबह से ही नहीं आई है। अच्छा, तुम फोन रखो, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। उर्मिला सुबह से ही ऑफिस नहीं गई तो फिर कहां गई होगी? ये आपको कैसे पता चला? आज मैं चौधरी खानदान के घर गया था, वहां सब लोग ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे किसी को जानकी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन तू ही बता, भला कोई और जानकी को क्यों लेके जाएगा? भंडारी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने ऋषि का बदला ले लिया हो, सोचा हो कि ऋषि हमारे पास है तो अब वो जानकी को कब्जे में कर ले? हो सकता है, जरूर हो सकता है। लेकिन तिवारी, अब मैं उनकी बर्बादी के लिए कोई कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। अगर उन्होंने मेरी बहन के साथ जरा भी बुरा सलूक किया तो मैं ऋषि की लाश उनके घर में भिजवा दूंगा। भंडारी जब अपने किए पर आता है तो किसी का लिहाज नहीं करता। अरे लेकिन ये उन्हें कैसे पता चल गया कि जानकी पागल खाने में भर्ती है? कैसे भी पता चला हो, लेकिन तिवारी,
मुझे तो इस बात का डर है कि उन लोगों के बीच में पहुंच के कहीं जानकी का पागलपन और ना बढ़ जाए। अच्छा खासा इलाज चल रहा था, पता नहीं कहाँ ले जाकर छिपा दिया। कहीं पे भी छिपाया हो, जब तक ऋषि हमारे पास है चौधरी खानदान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे लेकिन डर तो पुलिस का है, उस अनुरोध चौधरी का है। अरे वो बार बार यहाँ आकर खड़ा हो जाता है, किसी दिन उसकी नजर ऋषि पे पड़ गई ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तिवारी तुम एक काम करो, ऋषि पर अपनी पूरी निगरानी रखो, वो अपने कमरे से बाहर ना निकलने पाए। जब तक ऋषि नाम का ये मोहरा हमारे हाथ में है तिवारी, हम चौधरी खानदान पर फतेह हासिल कर सकते हैं। इसलिए ऋषि तो हमारे हाथ से निकलना ही नहीं चाहिए, समझे? अभी कहाँ है वो? सो रहा है, जरा बुलाओ उसे, अभी ले। अरे ऋषि, अरे ऋषि बबुआ, चलो तुम्हारे मामा ने तुमको बुलाया। अरे बबुआ कहाँ हो तुम? बबुआ, हे बबुआ, बबुआ, बबुआ कहाँ हो तुम? अरे हे ऋषि, ऋषि, अरे भंडारी साहब, अरे भंडारी साहब, आप तो लुट गए, आप तो लुट गए, बर्बाद हो गए, आपकी तो किस्मत फूट गई, आप गए काम से। अबे बोले का भी क्या हुआ है? ऋषि अपने कमरे में नहीं है। Now I'm very confident. मुझे पूरी उम्मीद है कि जानकी जी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी। डॉक्टर, इतने सालों बाद इनकी आवाज सुनकर अब मुझे भी एक इत्मीनान सा हो गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में डिलिरियम के चलते वो कुछ अनाप शनाप बातें बोल दे। अब जो बातें इतने सालों से उनके दिल में दबी हुई हैं वो बाहर तो आएंगी ही ना? हाँ, और ये जरूरी भी है, क्योंकि आउटलेट होना जरूरी है तो ही बैलेंस पैदा हो जाएगा। अपने बच्चों को लेकर वो जिस तरह की बातें कर रही थी, उन्हें सुनकर तो ऐसा ही लगा कि उनके दिल में अपने बच्चों के लिए कितनी तड़प है। उर्मिला जी, आज तक आपने ये नहीं बताया कि आपका जानकी के साथ रिश्ता क्या है। डॉक्टर, मैंने आपको बताया ना कि वो मेरी दीदी है, बड़ी बहन समान। इसका मतलब जो भी हादसे गुजरे हैं उनके साथ वो सब आपका आंखों देखा है? जी नहीं, आंखों देखा तो नहीं, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। वो कैसे लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा अन्याय किया इनके साथ और इतनी गहरी चोट दी? इन सब बातों को आप रहने दीजिए ना डॉक्टर, हमें जानकी दीदी को उन बीते दिनों के अंधेरे से बाहर निकालना है। पिछले दिनों में क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किसके साथ क्या बर्ताव किया, हमें इसके बारे में नहीं सोचना। हमें सोचना है तो इनके आने वाले दिनों के बारे में। आपके साथ ही इन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी उर्मिला जी। आज तक मैंने आपके सिवा कोई और रिश्तेदार को नहीं देखा उनके हालचाल पूछते हुए। डॉक्टर, किसी को नहीं पता इस वक्त जानकी दीदी है कहाँ। जब कोई रिश्ता टूट जाता है ना, और कोई रिश्ते से अलग हो जाता है ना, तो वो लोग उसे जिंदा ही नहीं मानते। उनके लिए तो वो रिश्ता एक बीती हुई कहानी बनकर रह जाता है। किसी को इस रिश्ते का ख्याल हो ना हो, लेकिन मुझे इस रिश्ते का पूरा ख्याल है और मैं अपना फर्ज निभा रही हूं। अब क्या होगा भंडारी का? वो लौंडा तो चकमा देके भाग गया। तिवारी, ये सब तेरी लापरवाही का नतीजा है। मैंने तुझसे कहा था ना कि ऋषि पर अपनी पूरी निगरानी रखना। अरे हमने पूरी चौकसी रखी हुई थी। क्या खाक चौकसी रखी थी तुमने? निकल कैसे गया वो? देख तिवारी, अगर ऋषि अपने घर पहुंच गया तो मैं तेरी वो हालत करूंगा, वो हालत करूंगा, तू सारी जिंदगी याद रखेगा। अरे इसमें हमारी क्या गलती है? मेरी गलती है इसमें, मेरी गलती है, मेरी वजह से ऋषि भाग गया, अनिरुद्ध चौधरी आके ऋषि को ले गया, सब सब तेरी लापरवाही का नतीजा है। अरे यार, हम मदन तिवारी हैं कि कोई वॉचमैन है? अरे हम 24 घंटे पहरा देते रहते क्या? इससे बड़ा और क्या काम था तुझे है? ऋषि का यहां से भाग जाना हमारी सबसे बड़ी हार है। अब हमें अपनी बहन जानकी से भी हाथ धोना पड़ेगा। जीती हुई बाजी हार गए हम, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तिवारी। अरे हमको क्या पता था कि वो ऐसा कदम भी उठा सकता है। अरे हम तो उसको बहुत डरा धमका के रखे हुए थे, जब से आप आए हैं ना तभी से उसको खुली छूट मिल गई। छूट देने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे हाथ से निकल जाए। चौधरी खानदान को काबू में करने के लिए सिर्फ यही मोरा हमारे हाथ में था,
वो भी तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे हाथों से निकल गया। अब बैठे यहाँ गाल बजाते रहो अपने। भंडारी साहब, उस लौंडे ने बद्री के साथ मिलके यहाँ से भागने की योजना बनाई है। हाँ, बद्री भी यहाँ से गायब है, उसने भी हमारे साथ गद्दारी की है। ऐसे आदमी को काम पे रखती क्यों? एक बार पहले भी तेरा आदमी काम छोड़ के भाग गया था। क्या नाम था उसका? पुतनिया। हाँ, पुतनिया। तिवारी, भरोसे के आदमी नहीं रखोगे तो यही नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब तो मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं रहा। अरे भंडारी साहब, ऐसा बोल के मुझे गाली तो मत दीजिए। अपनी कॉफी तो पी ले, ठंडी हो रही है। अच्छा बता, अब तो यही रहेगी ना मेरे पास? मॉरिशस तो नहीं जाएगी ना? मम्मा, जब तक यहाँ काम रहेगा मैं भी रहूँगी। मॉरिशस में कहाँ रहती थी? पोर्ट लुइस में एक गेस्ट हाउस था जो मुझे मेरी ऑफिस वालों की तरफ से मिला था, बस वहीं। मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी बेटे, कभी कभी तो रो देती थी तुझे याद करके। मैं जानती हूँ मम्मा, इस घर में सिर्फ एक आप ही तो है जो मुझसे इतना प्यार करती है, और कोई भी नहीं। ऐसे नहीं कहते, तेरे डैडी तुझे बहुत चाहते हैं, मुझसे भी ज़्यादा, बस कभी कभी डांट देते हैं, दैट्स ऑल। खैर छोड़िए मम्मा। अच्छा ये बताइए, उर्मिला दीदी कैसी है? वो आप लोगों से कभी कभी मिलने आती है या नहीं? अरे वो उसे तो अपने ससुराल के कामकाज से वक्त ही नहीं मिलता, वो कैसे आएगी? पता नहीं उर्मिला दीदी ने कैसे अपने आप को रूटीन वर्क में फंसा रखा है, मैं तो ऐसे एक दिन भी नहीं रह पाऊँ। जब तेरी शादी होगी ना, तब तू भी ऐसी ही हो जाएगी। एक बार सर पे जिम्मेदारी आती है तो खुद ब खुद निभाना सीख जाते हैं। प्लीज मॉम, मेरे पास ये शादी वादी करने के लिए टाइम नहीं है, और ना ही मुझे उर्मिला दीदी की तरह ग्रैनी और कुलक्ष्मी बनने का शौक है। ये सब उर्मिला दीदी को ही मुबारक हो। कभी कभी लगता है कि तेरे चक्रों में कहीं मैं ना फंस जाऊं। वो कैसे मॉम? तेरे डैड तो अभी से कह रहे हैं कि मैंने तुझे बढ़ावा दे रखा है, आगे चल के पता नहीं तू क्या करने वाली है। मॉम, सीधी सी बात है, पढ़ने लिखने के बाद भी आज के जमाने में लड़कियों के लिए शादी कोई जरूरी तो नहीं। मम्मा, आज भी लड़कियां अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। बेटे मैं तेरी बात समझती हूँ, लेकिन तेरे डैड वो ये बात कभी नहीं मानेंगे। मैं तो उर्मिला की जिंदगी को लेकर भी खुश नहीं हूँ। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उर्मिला दीदी ने अपनी जिंदगी के रंग ढंग वही रखे हैं, सदियों पुराने। इतने सालों से निशांत अमेरिका में बैठा हुआ है, और मेरी बेटी यहाँ खुद को अपने ससुराल वालों के लिए होम किए हुए है। अमेरिका से नहीं लौटे? अब तुम्हारे इस तरह चहलकदमी करने से वो महारानी आ तो नहीं जाएंगी। मैंने तो तुम्हारे बाबूजी से पहले ही कहा था कि उसका आना जाना बंद कर दे, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। माँ, बिना तुम किसी की सच्चाई जाने हो हल्ला करना शुरू कर देती हो। उर्मिला को आने दो, उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ। तुम पूछोगे और वो बता देगी, ऐसी सुलक्षणी नहीं है वो। आंखों में धूल झोंकना तो कोई उससे सीखे। माँ प्लीज, अब तुम सब मुझे ही क्यों चुप कराते रहते हो? उड़ती चिड़िया के पर गिन सकती हूँ मैं। उर्मिला जी। भैया, तुम ऑफिस से आ रही? उर्मिला, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कहां से आ रही हो? बोलो, बोलती क्यों नहीं तुम? क्यों तुम्हें साफ सुन गया है? तुम क्या सोचती? तुम कहीं भी आओगी जाओगी, तुमसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। उर्मिला देखो, ऑफिस से फोन आया था कि तुम ऑफिस नहीं गई थी। हाँ भैया, मैं ऑफिस नहीं गई थी। तो फिर कहाँ गई थी? उर्मिला, हो सकता है तुम्हें बुरा लग रहा हो, लेकिन मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम बिना किसी से कुछ बताए कहां चली गई। भैया, आप मुझसे बड़े हैं,
और आपको मुझसे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। तो फिर बता दी क्यों नहीं हो तुम कि कहां गई थी? मैं ऑफिस के लिए ही निकली थी, लेकिन रास्ते में फोन आ गया कि मेरी एक सहेली बहुत बीमार है। मैं उसे ही देखने चली गई थी। झूठ बोल रही हो। जब तुम्हें कोई बहाना नहीं मिला तो अचानक सहेली बीमार हो गई। ये तिरिया चरित्र किसी और को दिखाना है। माँ तुम चुप रहोगी या नहीं? क्यों चुप रहूं मैं? ये सरासर झूठ बोलती चली जा रही है और मैं चुप रहूं? सती सावित्री का ढोंग करके झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती इसको? हाँ माँ जी, मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन इस वक्त ये झूठ बोलना मेरी एक मजबूरी है। अभी मैं आप लोगों को सच नहीं बता सकती। सुन लिया, देख लिया क्या कह कर गई है महारानी तुमसे? तिवारी कहाँ था तू? मालिक मैं यहीं पे था, मैंने ही तो पकड़ के लाया ऋषि बाबा को। देख रहा था कि भागे जा रहे, तो मैं भी दौड़ दौड़ के जाकर पकड़ कर लेकर आ रहा हूँ। सुन लिया अपने भांजे की करतूत, और गुलराते रहिए इसको। तेरी इतनी जुर्रत तो हमारे घर से भागने की कोशिश करे, हमने तुझे पलकों पर बिठा के रखा और तू हमारी पलके नोचने लग गया। आंखें खोल और पहचान अपने मामा को। अगर तू हमारा साथ देगा तो हम शकुनी मामा बन के तेरी हिफाजत करेंगे, लेकिन अगर तू हमारे खिलाफ गया तो तेरा ये मामा तुझे कंस मामा बन के दिखाएगा। समझा?